आदाब, नमस्कार। मैं अपने शुरू के प्रोफेशनल दिनों में थिएटर से जुड़ा रहा था। मेरा अपना थिएटर ग्रुप भी था, बट मुश्किल ये थी कि फिल्मों की वजह से हिंदी उर्दू ड्रामे देखने लोग आते नहीं हैं, इसलिए थिएटर ग्रुप को वाइंड अप कर दिया गया था। लेकिन जो शौक है ड्रामों का, थिएटर का, उससे मैं कभी अपना दामन बचा नहीं पाया। थिएटर बाकायदगी से देखता हूँ, फिल्मों से ज़्यादा मुझे थिएटर पसंद है। बिकॉज अच्छा ड्रामा प्ले देखने के बाद जिस तरह आप अपने आप को फ्रेश महसूस करते हैं, वो फिल्मों में नहीं होता। तो चूँकि ड्रामों से, थिएटर से दिलचस्पी है, इसलिए पिछले कुछ दिनों से मैं अलग अलग राइटर्स, मुसन्निफों की वो किताबें पढ़ रहा हूँ जिन्होंने उर्दू ड्रामों की हिस्ट्री, तारीख को जमा करके पेश करने की कोशिश की है। यूँ ही सोचा कि चलिए थोड़ी देर दोस्तों से भी बात कर ली जाए। पहली चीज़ तो ये है कि उर्दू में जो राइटिंग का आर्ट है, उस पर जो उसकी अलग अलग सिंफें हैं, यानी कि जो अलग अलग फॉर्म्स हैं राइटिंग के, उसमें आपको कहीं भी ड्रामे का जिक्र नहीं मिलता। इसलिए वर्ड ड्रामा भी उर्दू का लफ्ज़ नहीं है। ड्रामों के बहुत करीब जो चीज़ें पहुंचती हैं, वो आप कह सकते हैं कि वो एक फॉर्म ऑफ पोइट्री है, जिसे हम लोग मसनवी कहते हैं, जो एक लंबी दास्तान होती है और पोइट्री में सुनाई जाती है। उसके अलावा जो मरसिये लिखे जाते हैं और जो मरसिया खानी होती है, उसमें भी किसी हद तक कहानियां सुनाने का जिक्र होता है। इसलिए उर्दू को ये मान लेता हूँ मैं कि जो मॉडर्न ड्रामे हैं, जो नसर में लिखे गए हैं, वो सारे वेस्टर्न इन्फ्लुएंस से ही आए हैं। ये मेरी अपनी राय है, और जहाँ तक मैं पढ़ता रहा हूँ इतने दिनों तक अलग अलग मुसन्निफीन को, वहाँ तक लगता है कि लोग मेरी बात से सहमत हैं। अब ड्रामे को आगाज़ में, शुरुआत में, बिगिनिंग में, जितने भी परफॉर्मिंग आर्ट्स हैं, उनका मिला जुला रंग माना गया था, जिनमें बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट हुआ करते थे म्यूज़िक, डांस, पोइट्री। और ये सिर्फ उर्दू में ही नहीं है, बल्कि दुनिया के जिस मुल्क में भी आप देख लें, इब्तदाई दौर में, शुरू के दौर में, आपको सारी दुनिया में ड्रामे पोइट्री में ही मिलते हैं। बहुत देर बाद जाकर जो नसर में, प्रोज में ड्रामे लिखने का दौर था, वो शुरू हुआ। नाउ मंजूम ड्रामे, यानी पोइट्री फॉर्म में जो ड्रामे होते हैं, उनकी अगर मैं ओरिजिन देखूं, तो ये मुझे बहुत कदीम, एंशियंट संस्कृत के मंजूम ड्रामों से मिलती है, जहाँ इसकी
रिवायत बहुत आम थी और लगभग बहुत से ज़बानों में जो मंजूम ड्रामे स्टेज किए गए, खेले गए, उन पर संस्कृत के कदीम एंशियन ड्रामों का असर किसी हद तक दिखाई भी देता है। जबकि ओपेरा जो एक और फॉर्म है पोइट्री ड्रामों का, वो अगर आप उर्दू हिंदी वगैरह के, जो मैं मंजूम ड्रामों की बात कर रहा हूँ, पोइट्री ड्रामों की बात कर रहा हूँ, उससे कुछ अलग है। क्योंकि ओपेरा में ये शर्त है कि सारे डायलॉग्स गाकर ही अदा किए जाएंगे, साथ में रक्स भी होगा जो आमतौर पर भाले के फॉर्म में होता है। जबकि हमारे उर्दू हिंदी के जो आप मंजूम ड्रामे हैं, चाहे वो लैला मजनू हो, शीरी फरहाद हो, हीर रांझा हो, सोहनी माहिवाल हो, मैं सिर्फ पॉपुलर ड्रामों के नाम आपको बता रहा हूँ, इनमें कहीं भी ये शर्त नहीं है। जबकि डायलॉग जो हैं वो पोइट्री फॉर्म में होते हैं। अगर आपने चेतन आनंद की फिल्म हीर रांझा देखी है, जिसमें सारी फिल्म के डायलॉग पोइट्री में थे, राइम्स में थे, लेकिन ये ज़रूरी नहीं था कि डायलॉग तो गाकर ही अदा किया जाए, तो एक वो शर्त नहीं है। दूसरे ये शर्त नहीं है कि डायलॉग्स की अदायगी में गाने के साथ साथ नृत्य, रक्स, डांस भी शामिल हो। वैसे मंजूम ड्रामों में पोइट्री डायलॉग्स के साथ साथ बीच में गाने भी हुआ करते थे, बट दैट यूज़ टू बी वन पार्ट, जहाँ गाना, नाच, नृत्य, स्वर, गीत एक हिस्सा हुआ करता था। तो ओपेरा और उर्दू के मंजूम ड्रामों में ये छोटा सा फ़र्क है। अब मैं थोड़ा सा आगे पीछे होता रहूँगा, बिकॉज मेरा जो याददाश्त है वो थोड़ी बहुत यहाँ से वहाँ, वहाँ से यहाँ घूम रही है। अब ये नहीं है कि चूंकि उर्दू में ड्रामे की सिंफ नहीं है, इसलिए उर्दू में ड्रामे की कोई परमानेंट रिवायत नहीं रही। इंद्रसभाओं से बंबई की नाटक कंपनियों तक और उर्दू ड्रामों में एक बहुत मशहूर नाम है आगा हशर काश्मीरी से इंडियन पीपल्स थिएटर इप्टा तक ड्रामे की एक मजबूत रिवायत है। 1936 में जब तरक्की पसंद तहरीक शुरू हुई, जो समाजी तब्दीलियों के लिए एक अपना असर लेकर आई, उस वक्त बहुत से मुसन्निफ, बहुत से राइटर ड्रामे की तरफ रागिब हुए और इसके नतीजे में इंडियन पीपल्स थिएटर इप्टा का क़याम अमल में आया, जिसकी शाखें बैंगलोर, दिल्ली, मुंबई और कई शहरों में हैं। उसी ज़माने में पृथ्वी थिएटर्स भी समाजी मसाइल पर ड्रामे स्टेज किया करता था और कॉलेज और यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट भी इसमें बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया करते थे। इसी दौर में
एक और मुसन्निफ़ हैं कुदसिया ज़ैदी, जिन्होंने वेस्टर्न ड्रामों को, अंग्रेज़ी ड्रामों को उर्दू में ढालकर गुड़िया घर और खालिद की खाला जैसे ड्रामे अपने थिएटर ग्रुप हिंदुस्तानी थिएटर से स्टेज किए। उर्दू ड्रामे का ये दौर 1960 तक जारी रहा। उस दौर को उर्दू ड्रामे का रिवाइवल भी कहा जा सकता है। इस दौर में तरक्की पसंद तहरीक से जुड़े हुए या ना जुड़े हुए बहुत से ड्रामा निगार सामने आए, जिनमें से कुछ नाम हैं डॉक्टर आबिद हुसैन, प्रोफेसर मोहम्मद कवर, सॉरी प्रोफेसर मोहम्मद मुजीब मंटो, इसमत चुगताई, कृष्ण चंद्र, ख्वाजा अहमद अब्बास, इश्तियाक हुसैन कुरैशी, फजलुर रहमान, हबीब तनवीर, नियाज हैदर, मोहम्मद हसन, मंजू कमर, करतार सिंह दुग्गल, रेवती सरन शर्मा, सागर सरहदी वगैरह। लेकिन इसके बाद 1960 के बाद ड्रामों के एक डाउनफॉल फिर से शुरू हो गया, क्योंकि उर्दू थिएटर के बाकायदा ड्रामे जो हुआ करते थे वो लगभग ख़त्म हो गए। अब दिल्ली में नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा, हम सब ड्रामा ग्रुप, दिल्ली आर्ट थिएटर और इप्टा वगैरह अपनी शाखें खोलकर ड्रामे स्टेज करते रहे। जहाँ तक नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा का सवाल है, वो तो अपने आप में एक बहुत बड़ा नाम है हिंदी फिल्म इंडस्ट्री में। कितने ही दिग्गज कलाकार वहीं से तो आए हैं। अब जहाँ तक उर्दू ड्रामों को देखने का सवाल है, तो ये नहीं है कि ऑडियंस कम है, क्योंकि अगर आप टीवी सीरियलों जो होते ड्रामे ही हैं को देखेंगे तो उनकी व्यूअरशिप तो काफ़ी ज़्यादा है। और अक्सर जो ड्रामे और सीरियल होते हैं उनकी ज़बान किसी हद तक उर्दू होती है, ये मेरा मानना है, या फिर हिंदुस्तानी कह लीजिए, शुद्ध हिंदी तो नहीं होती। बट उर्दू के जो ऑडियंस है उनको पैसा देकर ड्रामा देखने में बड़ी तकलीफ होती है। उर्दू का जो ऑडियंस है उनको पैसा देकर किताब खरीद कर पढ़ने में बड़ी तकलीफ होती है। उर्दू का जो ऑडियंस है उनको मांगे तांगे की चीज़ चाहिए, मुफ्त में मिल जाए तो बेहतर, और जो उर्दू अदब के जवाल का सबब बना हुआ है। अब इसके आगे अगर मैं आपको शुरू से बताना शुरू करूं और जहां तक मैं थोड़ा बहुत पढ़ता रहा हूं, तो उनमें जहां जहां रेफरेंसेस आएंगे किताबों के, वहां बजाय इसके कि मैं आपको बड़ी सुस्ता उर्दू में पढ़कर सुनाऊं, मुसन्नफीन से माफ़ी के साथ मैं उनकी उस सलीस उर्दू को, उस प्योर उर्दू को थोड़ा सा आसान करके सुनाऊंगा आप सबको। अब अगर उर्दू में ड्रामों की बिगिनिंग को हम देखने जाए तो उर्दू में ड्रामे के जो शुरुआती
पहलू जो शुरुआती निशान मिलते हैं वो 19वीं सदी के पहले हाफ में मिलते हैं और अवध की सल्तनत में नजर आते हैं, जहां एक तरफ उर्दू शायरी का उन ड्रामों में काफ़ी दखल था तो दूसरी तरफ रक्स यानी डांस, मौसीकी यानी म्यूज़िक को भी इन मकबूल ड्रामों में बहुत ज़्यादा दखल हासिल था। अब इनमें शामिल थे जैसे रामलीला, रासलीला, भगतवासी, नक्काली, कठपुतली का तमाशा और दास्तानगोई वगैरह वगैरह। अब अगर मैं थोड़ा सा अपनी पढ़ी हुई चीज़ों से एक तरतीब दे दूं कि भाई किस तरह से शुरू हुआ और कैसे कैसे आगे बढ़ा, तो पहले आते हैं एंशियंट संस्कृत और हिंदी ड्रामे। जो खास तौर से मजहबी या देवी देवताओं के हालात पर आधारित हुआ करते थे और जिन्हें धार्मिक नाटक कहा जाता था। उसके बाद ड्रामे की जो दूसरी सूरतें नजर आती हैं उनमें है भांड, जो औरों की नकल किया करते थे, जो हमको मॉडर्न डेज में मिमिक्री की सूरत में नज़र आती है, सोआंग, रामलीला और रासलीला वगैरह। फिर आई कठपुतलियाँ, उसके बाद नौटंकी, इस्लामी नज़में और शाहनामे वगैरह वगैरह। फिर दौर आया मॉडर्न मजहबी ड्रामों का, तो मजहबी ड्रामे भी खेले गए। नौ मोहम्मद शाहिद हुसैन ने अपनी किताब में कहीं लिखा है कि संस्कृत के ड्रामों के डाउनफॉल के रीजंस कुछ भी हों, ये बात हकीकत है कि वाजिद अली शाह के दौर में जब उर्दू ड्रामे की दाग बेल पड़ रही थी, उस वक्त पूरे मुल्क में संस्कृत ड्रामे की आर्टिस्टिक, टेक्निकल एंड क्रिएटिव और जो क्रिएटिविटी हुआ करती थी उनमें, उनकी जगह रामलीला, रासलीला, भगतबाजी, नक्काली, कठपुतली का नाच, दास्तानगोई, मरसिया खानी, मुजरे की महफिलों और रक्स व मौसीकी का दौर दौरा था। और जहाँ तक वेस्टर्न ड्रामों का सवाल है, उनके असरात का सवाल है, ये बहुत बात की बात है। उसके बाद आगे चलकर एक और किताब में डॉक्टर मसीहुज़्ज़मा इंद्रसभा के अपने फॉरवर्ड्स में रासलीलाओं, रहस, रास वगैरह को एक तरह से डांस वाला ड्रामा ही मानते हैं। वो लिखते हैं कि फुर्सत और रुपए की बेहद सहूलियत की वजह से वाजिद अली शाह ये जो अवामी रक्स था, जो अवामी डांस था, जो लोगों का डांस था, जनता का डांस था, जनता का नृत्य था, उसकी बहुत सी किस्में तरतीब देने की तरफ
उनका ध्यान लिया, जिसे रहस्य मुबारक के नाम से पुकारा जाता है। फिर उसके लिए रहस्य खाना तामीर किया गया, बिल्ड किया गया, बनाया गया। उसमें नाचने गाने के लिए नौजवान लड़कियां और उनके उनको तालीम देने वाले जो नौकर हुआ करते थे, मुलाजिम हुआ करते थे, वो रहा करते थे उन रहस्य खानों में। लेकिन इसी में मसूद हुसैन रिज़वी का कहना है कि नाटक को संस्कृत में दृश्य काव्य और नाट्य भी कहते हैं। दृश्य काव्य के मानी है वो नज़्म जो देखी जा सके, यानी शायरी जिसे पढ़कर नहीं बल्कि स्टेज पर पेश होते देखकर लुत्फ उठाया जाए। नाट्य वही नाटक है, इसका मादा भी नृत्य है, जिसके मानी है नाचना। फिर थोड़ा आगे बढ़ते हैं तो वाजिद अली शाह जब बादशाह नहीं हुए थे, वली अहद थे, उसी ज़माने से उनको रक्स और मुसीकी यानी डांस और म्यूज़िक में दिलचस्पी पैदा हो गई थी। साथ ही साथ उनमें कहीं पर नकल या ड्रामाई अनासर से दिलचस्पी का रुझान भी जागने लगा था। और ये हो सकता है कि उनमें ये जागा हो भानों की नकलों, बहरूपियों के बहरूप और दास्तान गोई को सुन सुनकर, क्योंकि ये तमाम चीज़ें अवध में उस वक्त के रईसों अमीरों के एंटरटेनमेंट की साधन के साधन हुआ करते थे। इसके अलावा एक वो रस्म भी हो सकती है जिन्हें उन्हें सावन के महीने में यानी अपनी पैदाइश के ज़माने में वालदा के हुक्म पर जोगी बनाया जाता था। इस रस्म की बुनियाद यह बताई जाती है कि उनके पैदाइश के वक्त ज्योतिषियों ने कुंडली देखकर बताया था कि इस बच्चे की किस्मत में जोगी होना है, और मुकद्दर की यह नहुसत इस तरह दूर होती है कि यह बच्चा हर सालगिरह के मौके पर जोगी बना दिया जाए। वाजिद अली शाह हर चीज में एक नयापन ढूंढने के रसिया थे, जो उनमें शायद इनबॉर्न था, इसलिए उन्होंने संगीत में मौसीकी में ठेठ हिंदुस्तानी मौसीकी को ठुमरी की शक्ल में आम फहम यानी लाइट, मतलब जो सबकी समझ में आ सके, बनाया। तो मौसीकी में उन्होंने ठुमरी को इस तरह पेश किया जो हर एक की और लगभग सबकी समझ में आ सके। वहीं डांस यानी रक्स को कथक से रूशनास किया, और उनकी यही जिद्दत पसंदी, यही इनोवेटिव दिमाग जो था उनका, उसने डांस को जनता के लिए मिला जुला कर जो रहस्य हुआ करता था ड्रामों का एक रूप, उसमें भी तब्दीलियां की।
वाजिद अली शाह खुद अपनी किताब बनी में कहते हैं, उनकी किताब बनी का चौथा बाब, चौथा चैप्टर जो रहस्य के बयान में है, उसमें दो फसलें हैं। पहली फसल 36 ईजादी रहस्यों में है और दूसरी राधा कन्हैया के दो तरह के किस्सों में। इससे ये जाहिर होता है कि वाजिद अली शाह रहस्य के लफ्ज़ से कभी जत्थे का नाच समझा करते थे और कभी कृष्ण जी के वाक़यात। तो इन दोनों चीज़ों में फ़र्क करने के लिए एक को रहस्य का नाच और दूसरी को रहस्य का नाटक या खेल या जलसा कहा उन्होंने। तो रहस्य के ये दोनों मतलब अगर हम समझे नहीं तो वाजिद अली शाह के रहस्य के बारे में गलतफहमियां पैदा हो सकती हैं। रिजवी साहब ने रहस्य के इस दूसरे हिस्से यानी राधा कन्हैया किस्से को उर्दू का पहला ड्रामा और वाजिद अली शाह को पहला ड्रामा निगार माना है। लखनऊ का शाही स्टेज जो उन्होंने लिखा है वो राधा कन्हैया का किस्सा शामिल करते हुए लिखा है उन्होंने कि ये ड्रामा राधा कन्हैया का किस्सा के नाम से वाजिद अली शाह ने अपनी वली अहदी के ज़माने में, जब वो बादशाह नहीं हुए थे वो शहजादे थे, 1858 और 1859 के बीच लिखा था और बाद को अपनी किताब बनी में शामिल कर दिया। जो 1258 और 1259 के दरमियान लिखा था और बाद को अपनी किताबों में शामिल कर दिया। तो यूँ हम अगर आगे बढ़ते जाएं, जैसे मैं आपको पहले बता रहा था कि जो हमारी पोइट्री ड्रामे हैं, मंजूम ड्रामे हैं, उनमें और ऑपेरा में एक फ़र्क है। मंजूम ड्रामे में जो मुकालमे होते हैं वो नज़्म में होते हैं जिनके लिए गाकर अदा करना शर्त नहीं होता। नाउ देयर इज अ डिक्शनरी ऑफ लिटरेरी टर्म्स, इसमें ऑपेरा का जो डेफिनेशन है वो मैं आपको अंग्रेजी में पढ़ के सुना देता हूँ। अ ड्रामा सेट टू म्यूजिक फ्रॉम लैटिन एंड इटालियन वर्ड्स मीनिंग वर्क। An opera is an extended dramatic composition in which parts are sung to instrumental accompaniment. Many opera include arias, choruses, recitatives and ballet. अब जो standard English Urdu dictionary है उसमें ओपेरा की डेफिनेशन कुछ यूं है कि गन्नाई तमसील कौमा वो नाटक जिसमें नगमा और सास का अंसर गालिब हो, जिसमें गाना हो वो सबसे ज़्यादा उस पर शामिल हो। अब वाजिद अली शाह ने अपने वली अहदी के दौर में 18 साल की उम्र में 3 मसनवियाँ यानी दास्तानें जो पोइट्री में लिखी गई थी, एक थी अफसाना इश्क, दूसरी दरिया इश्क और तीसरी बहरे उल्फत लिखी थी
बादशाह संभालने के बाद 1266 में दरियाए इश्क को ड्रामा बनाकर पेश करने का उनके दिल में ख्याल आया। अब अगर आप देखें तो जो उस वक्त के जलाल लखनवी के वालिद हकीम असगर अली खां थे, वो शाही दास्तान गो थे और उन्होंने इन तीनों मसनवियों को नसरी दास्तानों में ढाला था। मतलब है जो मंजूम लिखा था वाजिद अली शाह ने पोइट्री में, उसको प्रोज में कन्वर्ट किया था जलाल लखनवी के फादर हकीम असगर अली खान ने, जो उस दौर में शाही दास्तान को हुआ करते थे। और इस तरह इशरत रहमानी ने अपने मकाले उर्दू ड्रामे की एक सदी में लिखा है कि सबसे पहले सुल्तान आलम ने अपनी एक इश्किया मसनवी अफसाने इश्क को मंजूम नाटक की शक्ल में तैयार किया, जिसका अंदाज ओपेरा या रहस्य का था। इस तरह लगभग ये साबित हो जाता है कि ये उर्दू का पहला ड्रामा था। अब इसके बाद उर्दू के ड्रामे लिखे गए और बहुत सारे ड्रामे लिखे गए। साथ साथ तब्दीलियां आती गईं। अब जैसे जैसे तब्दीलियां आती गईं, नज़्म में लिखे हुए ड्रामे जो मंजूम ड्रामे हुए होते थे वो नसर में तब्दील होते गए, प्रोज में तब्दील होते गए। और जब प्रोज में तब्दील हुए तो वो बातें, वो डायलॉग्स जो पोइट्री में होते थे वही प्रोज में लिखे जाने लगे। अब ओरिजिनली प्रोज में लिखे जाने लगे ड्रामे, और ड्रामों में एक सबसे बड़ी अहम चीज़ जो हुआ करती थी वो थे डायलॉग्स। आज तो खैर हर अरे गहरा गहरा नत्थू खैरा डायलॉग लिख लेता है, इसलिए फिल्म देखते हुए वो लुत्फ आज नहीं आता जो किसी ज़माने में अच्छे राइटर्स के डायलॉग सुनकर आया करता था। अब ड्रामे में डायलॉग्स जो हैं उनकी सबसे बड़ी खूबी ये होती है कि बोलने वाले के कैरेक्टर, उसके समाज, उसकी इंटेलिजेंस के मुताबिक हों वो डायलॉग्स। अब आप ही सोचिए कि अगर कोई किसान अगर एब्सोल्युटली अपर फैमिली की रिफाइंड लैंग्वेज में फिलॉसफी एंड पॉलिटिक्स पर बहस शुरू कर दे तो क्या वो किसान लगेगा? तो ड्रामे में ये बहुत ज़्यादा अहम हो गया। अब जो मॉडर्न ड्रामे थे उनमें कैरेक्टर्स के मुताबिक डायलॉग्स लिखने का जो फ़न था, उसकी जो बेहतरीन मिसाल मुझे याद आती है वो कृष्णचंद्र के ड्रामे दरवाज़े खोल दो में, मेरा जहन मुझे याद दिलाता है। इस ड्रामे में एक मुसलमान साइंसदान करीमुल्ला था, फ्रंटियर के हिंदू पठान लाला आफताब राय थे, लखनऊ के तंबाकू बेचने वाले मन्नन थे, और ईसाई लड़की मिस ईसाबेला और मद्रासी होटल वाला वेल्लू
अब इनके डायलॉग्स में कृष्णचंद्र ने फर्क इतनी आसानी से एस्टैब्लिश किया है। अब अगर मिसाल देनी हो तो हिंदू पठान लाला आफताब राय और लखनऊ के तंबाकू फरोश मन्नन के मुकालबों में डायलॉग्स में ये फर्क बिल्कुल साफ हो जाता है। आफताब राय कहते हैं, तो पठान तो हैं हम, इधर साढ़े पेशावर में सब पठान, क्या हिंदू क्या मुसलमान, सब यही ड्रेस पहनता, मगर हम हिंदू है। हम जब तुम्हारा फ्लैट लेगा तो एक कमरे में भगवान जी का मंदिर बनाएगा। जबकि मन्नन अपने हिंदू होने का यकीन इन अल्फाज में करवाता है, मन्नन बजा फरमाया, हुजूर आपने ज़रूर सुना होगा, मैं अक्सर खुदा की कसम खाता हूँ और ज़रूरत पड़ जाए तो भगवान की कसम भी खा लेता हूँ, मुझे दोनों ही अजीज़ हैं, मगर मैं आपको यकीन दिलाता हूँ कि मैं हिंदू हूँ, खुदा की कसम खाकर कहता हूँ मैं हिंदू हूँ। अब किरदारों का ये डिफ्रेंसिएशन करना और इतनी आसानी से करना, वो ड्रामा अगर आप पूरा देखें या पढ़ें तो चाहे वो मिस ईज़ाबेला हो, चाहे करीम खान हो, चाहे विल्लू हो, हर एक की ज़बान किरदार के मुताबिक है। इसके अलावा डायलॉग्स में राइटर जो है वो अपने ख्याल नहीं पेश कर सकता, उसको वो जो कैरेक्टर्स होते हैं उनकी ज़बान ही इस्तेमाल करनी पड़ती है। और ये ख्याल भी रखना पड़ता है कि जो भी कैरेक्टर है उसका सोशल स्टेटस के मुताबिक उसके डायलॉग्स हों, उसमें उसके रुतबे और पेशे का रिफ्लेक्शन नज़र आए। अब अगर इसकी एक मिसाल देखनी है तो प्रोफेसर मोहम्मद हसन के ड्रामे ज़हाक में मौजूद है, जहाँ एक शायर, एक टीचर और एक जज के डायलॉग्स में सोसाइटल रुतबे और पेशे की झलक, प्रोफेशन की झलक दिखाई देती है। शायर हालात से अपनी मायूसी का इजहार कुछ यूं करता है, शायर मैं नहीं जानता कि काबिल नफरत कौन है, मगर हर लफ्ज़ मुझे जलील और रुसवा करता है, कोरे कागज़ का हर सफ़ा मेरा मुँह चढ़ाता है, कलम मुझे सूली पर चढ़ाता है, मेरा ज़मीर बेकरार है। जज, ये सब तुम्हें क्यों कर मालूम हुआ, ये तो मेरी आप बीती है शायर, हलफ लेने से आज तक मैं सो नहीं सका, वो तमाम बेगुनाह जिनकी मौत को मैंने जायज़ करार दिया है कतार बांध कर मेरे ख्वाबों में मेरा मजाक उड़ाते हैं, मुझ पर हंसते हैं, मुझ पर नफरत से थूकते हैं, वो कहते हैं मैंने नेकी को गुनाह से और मासूमियत को जुल्म से महफूज रखने की कसम खाई थी, मगर मैंने इंसाफ को दरिंदों के हाथ बेच दिया, मैं गद्दार हूँ। टीचर, मैंने इल्म से गद्दारी की है, मेरी तजुर्बा गाहों में इंसानी भलाई के बजाय उसकी खोपड़ियों से भेजे चुराने के तजुर्बे किए जा रहे हैं, मेरी क्लासों में ज़िंदगी के बजाय मौत की तालीम दी जा रही है, मैंने सच्चाई की जगह इंसान को झूठ सिखाया है, इज्जत की जगह उसे ज़िल्लत का दरस दिया है, मैंने इंसानियत के ज़मीर को कत्ल कर दिया। अब इनमें
अगर आप ना भी कहें तो मुकालमों से, डायलॉग से साफ पता चलता है कि कौन सा डायलॉग टीचर का है, कौन सा डायलॉग जज का है और कौन सा डायलॉग ये शायर का है। अब अगर मैं थोड़ा सा आपको समझाने की कोशिश करूं तो मैं, मुझे जहन में एक ड्रामे का नाम बार बार आ रहा है और वो है इम्तियाज़ अली ताज का ड्रामा अनारकली, जो अमर हो गया। बहुत से ड्रामे उस पर लिखे गए, कई फिल्में बनी इंक्लूडिंग हिंदी क्लासिक मुगले आजम। अब जो इम्तियाज़ अली ताज के ड्रामे का हिस्सा मैं आपको बताने जा रहा हूँ कि भाई अब ये ड्रामे का वो हिस्सा है अनारकली का, और इससे तीन सिचुएशन से हम लोग डायलॉग सुनेंगे और ये देखेंगे कि कैसे जो तब्दीलियाँ होती हैं उसके साथ साथ डायलॉग्स के अंदाज बदलते हैं। अब जो सीन आप सुन रहे हैं वो उस दौर का है जब ड्रामे में ट्रेजेडी की शुरुआत नहीं हुई है और अनारकली का सलीम से इश्क भी बहुत गहरा नहीं हुआ है। अब इन हालात में सलीम अपनी कनीज़ों से बातचीत कर रहे हैं और उनका अंदाज देखिए। सॉरी एक्सक्यूज मी, सलीम क्या हुआ ज़ाफ़रान? सितारा, हुजूर से इजाज़त, निगोड़े चोटे से ठोकर। ज़ाफ़रान, नामुराद हंसे जा रही है खड़ी खड़ी। सलीम, ओह तुम चाहती हो आकर उठा ले तुम्हें, तुम बहुत शोख हो ज़ाफ़रान। ज़ाफ़रान, हाँ हुजूर जब भी कहते हैं हमें शोखी कहते हैं, जाते हैं हम। सलीम, अरे कहाँ चली, बात तो सुनो। ज़ाफ़रान, फिर इसको भेजिए यहाँ से। सलीम, वो तुम्हें क्या कह रही है? सितारा, अब तो ये उधर अनारकली, इधर आपने, जो ना करें वो थोड़ा है। सलीम, ओफो अनारकली भी तुमसे बेतकल्लुफ हैं ज़ाफ़रान। ओफो अनारकली भी तुमसे बेतकल्लुफ हैं ज़ाफ़रान। सुरैया तो कहती थी वो किसी से बात नहीं करती। अब इस पूरे सीन में कनीज़ों और सलीम के बीच जो डायलॉग्स हैं वो काफ़ी हद तक सादा और कन्वर्सेशनल है, लेकिन जब ड्रामा थोड़ा और आगे बढ़ता है और जब सलीम और अनारकली का इश्क गहरा हो जाता है तब डायलॉग्स की ज़बान जो है वो बदलती है, शायराना भी होती है, जज्बात अंगेज भी और ड्रामाई भी। जैसे सलीम, अब भी तेरे दिल में शुबा मौजूद है, दुआया अनारकली ए इस दिल की मलका, ले हिंदुस्तान को अपने कदमों में देख। अनारकली, आह आह। सलीम, अनारकली मेरी अपनी अनारकली, तू मेरी है सिर्फ मेरी। अनारकली, साहिब आलम इसका अंजाम तबाही है, शहजादे जाओ भूल जाओ। सलीम, हम दोनों एक दूसरे के सीने से चिमटे हुए हैं तो फिर कोई खौफ नहीं, आसमान हमें खींच ले और हम नई रोशनियों में उठते चले जाएं, ज़मीन हमारे पैरों के नीचे से सरक जाए और हम नामालूम अंधेरों में गिरते चले जाएं, तुम्हारे बाजू ढीले ना पड़े तो ये सब शीरी होगा। अनारकली बेइंतहा शीरी। और जब अनारकली दीवार में चुनवा दी जाती है तो वही सलीम जो अकबर से हर डायलॉग में बड़े अदब से बात करता है कुछ इस तरह कहता है, अकबर शेखू ये क्या है, तुम्हें क्या हो गया है,
सलीम तुम कौन हो? अकबर, शेखू अपने बाप को पहचानो। सलीम, शेखू का कोई बाप नहीं, वो मर चुका है। तुम हिंदुस्तान के शहंशाह हो, जहाने बानी के बाप, दौलत के बाप। तुम कातिल हो, अनारकली के कातिल, सलीम के कातिल। तुम्हारी पेशानी पर खून की मोहरें हैं, तुम्हारी आंखों में जहन्नुम के शोले हैं, तुम्हारी सांस में लाश की बू है। अब ये जो उसका गम है, गुस्सा है, उसकी शिद्दत में बड़े बड़े सेंटेंसेस की बजाय छोटे छोटे जुमलों से डायलॉग को तरतीब दिया गया है। लेकिन जैसे जैसे उसका जुनून बढ़ता जाता है, वैसे वैसे डायलॉग्स में बेतरतीबी आती जाती है। सलीम, मुझे निगल रहा है, मुझे कुछ खोट रहा है, वीरानों से चीखें आ रही हैं, क्या है, मैं कहाँ हूँ, तुम कौन हो? जिल्ले लाही, तुम शहंशाह हो, सखी हो, रहीम हो, मुझे खंजर ला दो। मैं इस सब के बाद भी तुम्हें अपना बाप कहूँगा, तुम्हारे कदमों पर सर रख दूँगा, तुम्हारे हाथ चूम लूँगा। लिल्ला, मुझे खंजर ला दो। अब यहाँ पे आकर डायलॉग्स जो हैं वो सारे बेतरतीब से हो गए हैं, बिकॉज उसका दिमागी तवाज़ुन, जो मेंटल बैलेंस है, वो सही नहीं है, उसको दर्शाता है। सोचता हूँ बहुत लंबी बात कर ली मैंने, यहीं रुक जाता हूँ। अगले कुछ दिनों में फिर ड्रामों के इस जुनून को लेके आपके पास वापस आऊँगा। पसंद ना आए प्लीज़ मत सुनिएगा, मत देखिएगा। वैसे आपके लिए मेरी अपनी महफिल में कल मंटो का एक अफसाना, और शेर के सौदा की महफिल में कल सौदा के मुंतखब शेर लेके मैं आपके पास हाजिर होऊंगा। गुस्ताखी के लिए माजरत, इजाज़त चाहता हूँ।